आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी से अपना जुड़ाव मानने वाले चीनी नागरिकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चीन के लोग पीएम मोदी को अनोखी क्षमताओं वाला नेता कह रहे हैं। चीन की जनता नरेंद्र मोदी की दीवानी है, इस बात का दावा चीन के एक पत्रकार म्यू चुनशान ने किया है। म्यू चुनशान ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन के लोग वहां के सोशल मीडिया पर मोदी लाओशियान के नाम से पुकारते हैं। लाओशियान का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो अमर हो और जिसके पास स्पेशल पावर हो। जो है एक इस लेवल का जो है वो कमरान है कि उसने अपनी जो है ना पब्लिक को जमीन से उठा के चांद पे पहुंचा दिया। ये साहब के हम सब लोग जितने भी एशिया में रहते हैं चाइना की तरफ देखते होते थे कि चाइना जो है वो चीजें बनाएगा हमारी तरफ भेजेगा, अब चाइना भी इंडिया की तरफ देखने लग गया। इंडिया पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका का फ्रेंड है, अमेरिका का इतिहादी है इंडिया। उसने अपने इतिहादी को नहीं देखा, मोदी जी आई लव यू, यकीन कीजिए। उसने ये नहीं देखा कि अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा, उसने आम आदमी को देखा कि मेरे आम आदमी को फायदा कैसे मिलेगा। रशिया से उसने पेट्रोल लिया जहां से अमेरिका मना करता रह गया। कुछ दिन पहले तीन राज्यों के चुनाव के दौरान टीवी 9 भारतवर्ष ने पोलस्टेट के साथ एक सर्वे किया जिसमें सवाल था कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। इस पर 58% लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, जबकि उनके बाद राहुल गांधी का नंबर था जिन्हें सिर्फ 19.9% लोग पसंद कर रहे थे। इसके बाद 7.4% लोगों की पसंद ममता बनर्जी और 8.9% लोगों की पसंद अरविंद केजरीवाल थे, जबकि 5.8% लोगों की पसंद दूसरे नेता थे। यानी यहां भी पीएम मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। अमेरिकन डेटा कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा बताई, यानी दुनिया के सबसे ज्यादा लोग प्रधानमंत्री मोदी को ही पसंद करते हैं। पिछले महीने जारी इस आंकड़े के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडर 68% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ सातवां स्थान मिला है।